हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10 का 8.2 का मैथ बनाएंगे, इसमें एक्सरसाइज 8.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग जब बनाएंगे है ना, तो अगर यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है तो समझ जाएंगे यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह, गुना यानी कि मल्टीप्लाई। तो सबका वैल्यू रख के हम लोग सिंपल सा बनाएंगे, जैसे साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो इसको √3/2 रख दिए। कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू भी √3/2 होता है, √3/2 का प्लस साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, इसका भी 1/2 होता है, रख दिए। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको है ना, नीचे ऊपर ऊपर गुना करेंगे, √3 × √3 तो 3 होता है, दो को जब भी रूट में गुना रहे हैं तो समझ जाना कि उसका कोई एक ही हो, और नीचे दो दूनी 4, ऊपर में इसका एक गुना एक तो एक, इसका नीचे दो दूनी 4, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का 4 हो जाएगा, दोनों ऊपर वाला हो जाएगा सिंपल 4/4, तब इसको कटा देंगे एक बार में है ना, तो इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, अगला क्वेश्चन ये है हम लोगों का, कि साइन पर क्वेश्चन 2 जो है 2 tan² 45° प्लस cos स्क्वायर 30° माइनस साइन स्क्वायर 60° है ना, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 tan 45° वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, 1 है, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, अब cos 30° वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करना होगा, और माइनस 60 साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना आता है, √3/2, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर। अब एक चीज देखते हैं, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, इसको एकदम सिंपल यही काट देते हैं, ज्यादा बनाने की जरूरी नहीं, और 2 × 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, 2 × 1 तो 2 ही होगा, इसका आंसर एकदम सिंपल बन जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,